हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे सामने खड़ी है स्कॉडा स्लाविया, जो कि ये सेकेंड बेस मॉडल और ये एम्बिशन मॉडल है। तो इसकी की कुछ ऐसे आती है। आज हम इसका वॉकराउंड रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो चलिए आप साइड से देख लीजिए। साइड से कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी लंबी है। यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे आप। इसका फ्रंट का लुक मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। फ्रंट में थोड़ी जगह कम है इसलिए रुक देख पाइए आप ऐसे। सो गाइस, चलिए सबसे पहले इसकी फ्रंट की बात करते हैं। सो फ्रंट में आपको गाइज यहाँ पे आपको इस मॉडल में मिलता है हेलोजेंस लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए। और यहाँ नीचे बात करते हैं तो आपको फॉग लैम्प भी हेलोजन में मिल रहा है और एक क्रोम गार्निश आपको देखने को मिलती है। कोई भी पार्किंग सेंसर फ्रंट में नहीं होते हैं। और एक ग्रिल आपको क्रोम में मिलती है और ये मैट में मिल रही है ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश में। और ये अंदर का पार्ट मैट में है। और गाइज अब यहाँ पे स्कोडा का लोगो आप देख पा रहे होंगे। सो गाइज ऐसी चीज कुछ हमारी फ्रंट से लगती है ये। अब बात करते हैं इसके साइड की। तो साइड में आपको यहाँ स्कोडा की बैजिंग मिल रही है और ओ आर वी एम्स पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं। और इसके टायर सेक्शन की अब बात करते हैं हम। तो टायर सेक्शन आपको मिलता है 205/55R16 16 इंच के। आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि डायमंड कट नहीं है, नॉर्मल है सिल्वर में। सो गाइज चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सो गाइज रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है आपको इसमें। तो चलिए अंदर चल के मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसका एक बार। सो गाइज अंदर आ गए हैं, इसका दिखाते हैं। भाई क्या थर्ड साउंड है। सो अब इसके पहले डोर की बात करते हैं, राइट साइड की, ड्राइवर साइड की। तो आपको ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, ये चाइल्ड लॉक का बटन, और बाकी ये रहा इसका वो आरपीएम्स के कंट्रोल जो कि एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो इसमें आपको लेदर रैप मिल रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, मज़ा आ रहा है टच करने में। और इसका हॉर्न पैड ये रहा मिडल में। और राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको दोनों को मिलते हैं स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ऑन करके एक बार दिखाता हूँ। सो ऑन हो गया और ये देख पा रहे होंगे स्कोडा की बैजिंग आई थी, कितनी प्रीमियम लुक दे रही थी। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं जो कि हम। तो यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है दोनों ही, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही एनालॉग मिलता है। सो इसके टैकोमीटर की 8,000 तक आरपीएम लिमिट है और इसकी स्पीड लिमिट 240 तक देख पा रहे होंगे आप। और इसमें डिस्प्ले में अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ट्रिप ए ट्रिप बी और कार कितना माइलेज दे रही है एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन है। और बात करते हैं इसके राइट साइड की। तो ये है जर्मन कंपनी का स्कॉडा, आपको पता ही है। तो इसमें हर चीज़ उल्टा ही आ रहा है, मतलब जो कि इंडियन कंपनी है उनमें राइट आता है तो इसमें लेफ्ट आता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में आपको वाइपर से कंट्रोल मिल रहा है। और लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रूज़ का कंट्रोल लेफ्ट साइड में मिलता है। तो क्रूज़ आपको लगाना है तो यहाँ से लगाना पड़ेगा। सो अब राइट साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिल रहे हैं। सर्कल में काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ नीचे। तो इसके ये हेडलाइट लेवल के कंट्रोल्स मिल रहे हैं और बाकी ये आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करने के कंट्रोल, ये पार्किंग ऑन हो गई और ये, और बाकी फॉग लैम्प का इधर आपको मिलता है। सो गाइज हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये आपको यहाँ पे की लगाने की जगह नहीं है, ये इसमें आपको इस वेरिएंट में भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। सो गाइज अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सब आता है। और यहाँ पे कुछ स्पेस है सामान रखने के लिए। अब बात करते हैं इसके IRVMs की, तो जो कि आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं इस वेरिएंट में। सब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हज़ार लैंप आपको देखने को मिल रहा है और 2 AC वेंट्स मिलते हैं और उधर एक साइड में, तो टोटल 4 AC वेंट्स आपको फ्रंट में मिल रहे हैं। अब गाइस बात करते हैं इसके AC की, जो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है देखने में और अच्छा लग रहा है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है देखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको टच करने में, आप देख पा रहे होंगे। सो गाइस अब बात करते हैं, इसमें आपको एक और फीचर मिलता है जो कि एयर केयर है। तो ये एयर प्योरीफिकेशन टाइप का फीचर है। और नीचे आप बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। और स्पेस काफ़ी अच्छा है तो अपना फ़ोन, 2-3 फ़ोन रख पाएंगे यहाँ पे। और आपको यहाँ नीचे 2 C टाइप चार्जिंग केबल मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ़ोन अपना चार्ज कर पाएंगे आराम से। और ये बात करते हैं इसके गियर नॉब की, तो गियर नॉब आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और यहाँ पे कुछ बटन्स है जो कि अपर वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे इसके फीचर्स। अब राइट साइड लेफ्ट साइड में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉक का बटन, जो इसको प्रेस करने पे चारों डोर्स लॉक हो जाएंगे। और ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल रहा है, तो यहाँ आप अपनी की वगैरह रख सकते हैं। और ये बॉटल होल्डर्स मिल रहा है आपको यहाँ पे, और ये रहा इसका पार्किंग ब्रेक। और बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट की, तो ये काफ़ी छोटा साइज़ है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। स्पेस इसमें ठीक ठाक मिलता है, जो कि ये कूल्ड नहीं है, इसमें स्पेस ठीक ठाक है। और इसका सॉफ्ट टच भी मतलब उतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, तो आपको ग्लव बॉक्स मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड मिलता है इस वेरिएंट में भी, तो एक अच्छी बात है। और आपको सीटिंग कंफर्ट की बात की जाए, तो फ्रंट में आपको सीट काफ़ी अच्छी मिल रही है और मज़ा आ रहा है, आप लॉन्ग राइड्स भी इस पर आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिलती है लेफ्ट और यहाँ पर भी, राइट में भी, तो ये अच्छा लग रहा है एक चीज़। और अब इसके केबिन लैम्प की बात करते हैं, तो आपको यहाँ 2 केबिन लैम्प मिलते हैं
और ये सन ग्लास होल्डर मिल रहा है यहाँ पे आपको, और केबिन लैंप एक आपको पीछे मिलता है, तो मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। चलिए पीछे चलते हैं गाइस। और ये क्रोम गार्निश इस पे हैंडल पे भी दी हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए पीछे चलते हैं। सो गाइस, आगे की सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली थी, तो स्पेस आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है बैठ के पीछे। और अंडर थाई सपोर्ट इस कार का बहुत ही अच्छा है। और सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो इधर आपको लेफ्ट और राइट में तो बहुत अच्छा मिलेगा सीटिंग कंफर्ट, और बीच में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास होल्डर आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, आप आर्मरेस्ट देख पा रहे होंगे इसका, जिसमें कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है इस वेरिएंट में। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके सबसे अच्छा मुझे जो फीचर लगा, जो कि आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल रहे हैं और तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आप इसका बैक का लुक देख पा रहे होंगे, और केबल लैंप आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को, LED मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको, चलिए भैया चलते हैं। बूट स्पेस में जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना भूल गया, यहाँ आपको दोनों AC वेंट्स मिलते हैं और नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग केबल दोनों मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। दो यहाँ पे, दो आगे, तो चार आपको टोटल चार्जिंग केबल्स लगाने को मिल जाएंगे। ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग तो क्या बोलते हैं, फ़ोन अगर ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हैं तो आप कर पाएंगे ईजिली, तो चलिए भैया चलते हैं। और हाँ, इसके स्पीकर्स की बात करते हैं, तो आपको इसमें 4+4 का सिस्टम मिलता है, आगे दो स्पीकर और दो ट्विटर्स वहाँ पे और एक वहाँ पे, और बैक में आपको एक ट्विटर यहाँ पे और एक स्पीकर लेफ्ट साइड के डोर में सेम। तो चलिए पीछे चलते हैं। और इसमें एक अच्छा फीचर मैं आपको बताना भूल गया सॉरी, जो कि इसमें आपको मिलता है सनशेड भी मिलता है, तो कार गर्मियों में कम गर्म रहेगी पीछे, मतलब मिलता है तो अच्छी बात है ये चीज़। तो चलिए आपको मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ गाइस, बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो बूट स्पेस ये ओपन हो गया, ओह क्या ही बूट स्पेस इतना बड़ा मिल रहा है आपको। इसमें आपको कैपेसिटी 521 लीटर्स की मिलती है, तो एक अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा एम्पल अमाउंट स्पेस मिल रहा है, तो आप काफ़ी दिनों के लिए ट्रैवल करने वाले, तो आपके फैमिली का सामान काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए इसका बूट स्पेस बंद करते हैं। और ये बूट लिड बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है, और कवरिंग भी मिलती है इसमें आपको। तो गाइस, अब बूट इसका बंद करते हैं एक बार। सो अब बात करते हैं इसके बैक की लुक की, तो बैक का लुक आप देख पा रहे होंगे कितना ही प्रीमियम फील दे रहा है। ये स्कॉडा की ब्रांडिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्लाविया की ब्रांडिंग। अब बात करते हैं इसके टेल लाइट की। सो गाइस, इसके टेल लाइट की बात करते हैं, तो आपको ये हैलोजन देखने को मिल रहे होंगे, ये LED प्लस हैलोजन का सेटअप मिलता है। और बाकी इसके बैक में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं एक दो उधर, और पार्किंग सेंसर्स आपको तीन मिलते हैं इस वेरिएंट में, स्लाविया में एक दो तीन, तीन पार्किंग सेंसर्स देख पा रहे होंगे आप। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक आपका जर्मन कार है जैसा कि मैंने बताया, तो राइट साइड में आपको मिलता है फ्यूल टैंक, तो आपको इसकी कैपेसिटी मिलती है 45 लीटर्स। और अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो चलिए मैं आपको इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस, इसका इंजन ओपन करने का लेवर ये दिया है, ये बूट इंजन ओपन हो गया हुड, तो चलिए ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, ये रहा स्कॉडा स्लाविया का इंजन, जो कि है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 147 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। और बाकी इसके वॉशर फ्लूइड्स की जगह यहाँ आ रही, और ये काफ़ी देख पा रहे होंगे इंजन भरा भरा है पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी, पेट्रोल इंजन में काफ़ी स्पेस होता है। बाकी इसके हुड इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, कवरिंग कोई भी देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए, सो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्कॉडा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है हर जगह, छोटी छोटी स्कॉडा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, तो एक अच्छी चीज़ लगती है जर्मन कार्स की। सो गाइज, इसका मैंने फुल वॉक अराउंड रिव्यू आपको दे दिया है जितना भी मुझसे कवर हो पाया। सो गाइज, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।